एक वास्तविकता है जिसे हमें सब समझना है, ये जो हमारी विरासत है, परंपरा है, हम मेरी आपकी हम सब की, कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं और है ही नहीं। इस तरीके की विविधता और हर प्रकार की विविधता, इस तरीके की अपनी जो उसके आधार पर उस विविधता के ये देश जो बना, और इसके पीछे एक मूल आधार है जिसको हम सबको, आप चाहें उसको माने या ना माने, हम सब जिंदा है, हम सब काम कर रहे हैं उसी एक मूल आधार पे, कि जितनी भी विविधता हमारे देश के अंदर है उस विविधता के बीच में से जो एकता का धारा जो निकलता है उसको मजबूत किए बिना ये मुल्क नहीं रहेगी, तो ना आप रहोगे, ना आपका भविष्य रहेगा, ना ये सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि आप राजनीति में दिलचस्पी क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं। अगर इसी मुल्क के ऊपर एक किस्म की विचारधारा थोपने की कोशिश करोगे तो ये देश की एकता अखंडता बचेगी नहीं। अब ये अपने आप में एक राजनीतिक बात है। आप यहाँ पर पता नहीं आप कौन से प्रांत से आए हुए हो, लेकिन हम लोग सब अगर इकट्ठा होकर एक जगह पर बात कर सकें, विचार कर सकें, ये अपने आप में एक राजनीति सवाल कि किस तरीके की हिंदुस्तान हमारी होनी चाहिए या भारत हमारा होना चाहिए। क्यों हमारे संविधान में सबसे पहला धारा में, कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट जो आपका क्लॉज है या आर्टिकल है, उसमें जब डिफाइन करते हो व्हाट इज इंडिया, कैसे करते हो, इंडिया इज ए, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आप इस कंसेप्शन में राजनीति है, इंडिया दैट इज भारत क्यों कहा आपने, इंडिया दैट इज हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं का स्थान नहीं है यहाँ पर, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, बौद्ध है, आपके जैन है या मेरे जैसे नास्तिक है, ये देश जो है हम सबके लिए है, तो हिंदुस्तान क्यों होगा, बड़ी चर्चा हुई आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इंडिया दैट इज भारत बना उसके अंदर पॉलिटिक्स है। तो आप आज हो इस देश के नौजवान, तो वो भी एक पॉलिटिक्स के वजह से आप भारत के नौजवान हो, और वही पॉलिटिक्स डिफेंड करता है ये देश बना कैसे, ये देश के कितने राज्य हैं, किस आधार पर राज्य बनेंगे, भाषा के आधार पर बने या एडमिनिस्ट्रेशन के सुविधा पर बने। एबीसी स्टेट की बात पंडित नेहरू कह रहे थे, उसका विरोध करके बड़े बड़े जन आंदोलन के आधार पर, भाषा के आधार पर बने, विशाल आंध्रा, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा या बंगाल, ये सब भाषा के आधार पर बने। इसके लिए लड़ाई करनी पड़ी, लड़ाई किए क्यों, सिर्फ जज्बात ही नहीं था, हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा भारत का वो बना एक राजनीति की वजह से। तो अब राजनीति में क्यों शामिल रहना है आपको, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप एक राजनीति के हिस्सा हो। अगर वो राजनीति नहीं होती तो आप और हम, हमारी अस्तित्व नहीं होती आज।